हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी क्रोटन की, हम केयर कैसे करें समर में या फिर कह सकते हैं मार्च में। मार्च में एक बार आप इसकी अच्छी सी केयर कर लेते हैं तो ये समर के लिए प्रिपेयर हो जाता है और फिर सारा समर आपको अच्छी तरह से ये ग्रोथ दिखता है। तो क्रोटन्स का क्या होता है कि ये गर्मियों में तो अच्छे चलते हैं, इनका ग्रोथ का टाइम होता है, बशर्ते कि आप इनको कोई ऐसी जगह रखें जो छायादार हो और इसको रोज़ आप जो है पानी इस पर स्प्रे करते रहें, मतलब इसको मॉइस्ट अपने चारों तरफ अच्छा लगता है और धूप ज़्यादा ना पड़ती हो, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़ती हो और धूप नहीं हो और आप मॉइस्ट रखें इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, मतलब इनको पानी स्प्रे एक आधी बार कर दें, मिस्टिंग कर दें इसकी पत्तियों पर, तो क्रोटन आपका गर्मियों में भी बहुत अच्छा चलता है। सर्दी क्या होता है क्रोटन के लिए, थोड़ा डोरमेंसी का टाइम होता है, अनफेवरेबल टाइम होता है कह सकते हैं, ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्रोटन्स के पत्ते गिर जाते हैं, कई बार क्या बहुत बार, अगर आप इसको खुली ठंड में रखते हैं तो। सर्दी में क्या होता है, मैं आप लोगों को वैसे अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि सर्दी में इनको ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी सी मॉर्निंग की धूप मिले, इन्हें गर्माइश थोड़ी सी मिले। गर्मी में अगर हम इन्हें बिल्कुल छाया वाली जगह पे रख देते हैं तो वहाँ पे ठंडक के कारण और अगर मॉइस्चर मिल रहा है पौधों के बीच में उसमें, तो उसके कारण जो है इनके पत्ते गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए सर्दी में हमें अपने क्रोटन को ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको हल्की सी धूप मिले, सुबह सुबह की हल्की, दोपहर में की नहीं कि धूप में उठा के रख दिया, ऐसे नहीं, सुबह सुबह की हल्की सी मिले या शाम की हल्की सी मिल जाए अगर सुबह की पॉसिबल नहीं है, सारा दिन छाया नहीं चाहिए सर्दी में इन्हें, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या है कि ये देखिए, ये मेरा क्रोटन है, इसके सर्दी में सारे पत्ते झड़ गए थे और ये लंबा था इतना, लेकिन मैंने इसको देखिए सारा प्रून कर दिया, ये यहाँ से डंडियाँ यहाँ तक काट दी हैं, तीनों डंडियाँ आपको दिख रही हैं, 1 2 3, और एक भी पत्ता नहीं था इसके ऊपर। तो और उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें नई ग्रोथ आई है और नए पत्ते आ गए हैं। तो ऐसे ही सर्दी में हमें अपने क्रोटन की थोड़ी सी प्रूनिंग कर देनी चाहिए अगर उसकी पत्तियाँ सारी झड़ गई हैं, और उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए ये वाला जो है, इसकी मैंने प्रूनिंग तो नहीं की लेकिन इसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, और अब देखिए इसकी पत्तियां जो हैं वो, अब मौसम सही आया है तो अब देखिए इसकी पत्तियां दोबारा से आनी शुरू हो गई। और हो सकता है कि अब देखिए इसका ग्रोथ का टाइम आ गया है और गर्मियां भी आ गई हैं, अब मैं इस टाइम वैसे फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे चल के इसकी जो प्रूनिंग अगर करूँगी, जैसे मैं इसको चाहूँ कि इसके नीचे पत्ते नहीं हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि इसमें पत्ते घना हो जाए, ये हो सकता है मैं थोड़ा सा बरसातों के दिनों में यहाँ से इसको काट के थोड़ा थोड़ा और इनकी जो है वो कटिंग्स बना के और इसी गमले में लगा दूँ। अब ये देखिए, ये एक डंडी यहाँ से इसकी टूटी थी, ये वाली है या ये दो डंडियाँ हैं, ये किसी टाइम एक डंडी टूटी थी तो इसको मैंने देखिए यहाँ पर लगा दिया था, और सर्दियों में वैसे कटिंग्स ज़्यादा लगती नहीं है, लेकिन देखिए चेक करते हैं कि इसमें कुछ, मेरे ख्याल से अभी इसमें कोई रूटिंग नहीं हुई है, देखिए क्योंकि देखिए ये अनटाइडी सी है, मैंने यूँ ही लगा दी थी तो ये कटिंग नहीं चली है। वैसे सर्दियों में देखिए ये सारी डंडी ऐसी है, देखिए ये तो सर्दियों में कटिंग्स इसकी नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी आप भी जब भी ये कोई डंडी टूट जाए किसी पौधे की कुछ है तो उसको लगाएं ज़रूर, एक बार आप उसको चेक करें कि वो लगती है कि नहीं, लगेगी तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है और लग जाएगी तो हमें एक और पौधा मिल जाता है। अब देखिए जैसे इसकी जो है ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने फाइकस की कटिंग लगाई है। मैं बहुत ज़्यादा कटिंग इसलिए भी नहीं लगाती कि मेरे पास अब इतने पौधे हो गए हैं कि मुझे उनको रखने की जगह नहीं मिलती है। ये देखिए ये फाइकस की कटिंग मैंने लगाई थी और उसमें कितनी जड़ें आ गई हैं। तो
तो चलिए अब इसमें पत्तियां भी आनी शुरू हो गई हैं और अब हम इसको जो है वो सर्दियों के गर्मी के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर होगा। तो पहली चीज़ तो कि जैसे मैं इसको गर्मियों में रख देती हूँ, जैसे सॉरी सर्दियों में रख देती हूँ थोड़ी सी ऐसी जगह जहाँ इसको थोड़ी सी धूप मिले, और अब गर्मी आ रही है तो मैं इसको छाया वाली जगह में रखूँगी और ऑब्वियसली ग्रीन नेट तो वहाँ पर होगी ही और पौधों का मॉइस्चर रहेगा क्योंकि मैं छिड़काव करती रहती हूँ, इनको दिन में एक दो बार छिड़काव कर देती हूँ गर्मी में पौधों का। तो ये देखिए अब क्या करना है हमें कि अगर आपके गमले में मिट्टी यहाँ तक भरी हुई है, मेरे इस गमले में ऑलरेडी मिट्टी थोड़ी नीची है, अगर मिट्टी यहाँ तक भरी हुई है आपके तो आप इतनी मिट्टी जो है वो निकाल दें अपने पौधे में से, खुरपी से लें और इस मिट्टी को निकाल के बाहर रख लें। और फिर उसमें देखिए अब मैं खाद दूंगी, ये वर्मी कंपोस्ट है तो इस वर्मी कंपोस्ट को मैं अच्छी क्वांटिटी में दे रही हूँ, जिससे मैं आपको कहती हूँ 300-400 ग्राम के करीब। तो अच्छी क्वांटिटी में ये देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट दे दी और इसमें मैं अब थोड़ा सा ये देखिए एक चाय का चम्मच के करीब इसमें मैं एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। देखिए एप्सम सॉल्ट दो तरह से दे सकते हैं, जैसे मैंने इसमें भी डाल दिया। अब इसमें मैं बोन मील वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्यों नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये क्रोटन है और इसको हम सिर्फ उगाते हैं पत्तियों के लिए और इसमें हमें बोन मील वगैरह नहीं चाहिए। हाँ इसमें हमें ज़्यादा हम इसमें वो डाल सकते हैं कोई फंजीसाइड पाउडर, आप आधा या चौथाई चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी ट्राइकोडर्मा एक चौथाई चम्मच डाल दूँगी, मैं अब इसमें एक चौथाई चम्मच या आधा छोटा चम्मच के करीब ही देखिए मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा मिला दिया है। ट्राइकोडर्मा जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये एक बायोफंजीसाइड है, एक ये फंगस के बीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो फंगस डेवलप हो जाता है और ये बेनिफिशियल फंगस है जो कि हार्मफुल फंगस बैक्टीरिया वगैरह को हटा देता है, उनको खा लेता है और जो है मिट्टी का अमेंडमेंट करता है, हमारी जो सॉइल है वो इससे अच्छी रिच हो जाती है, उसकी जो कई कमियां हैं उनको ये दूर कर देता है। ये देखिए अब इसमें मैं सिंपल मिट्टी मिला रही हूँ, आप मिक्सचर भी मिला सकते हैं जो मैं बनाती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड के साथ, लेकिन मैं ऐसे भी इसको कर देती हूँ। देखिए इसको ऊपर से हमने ऐसे कर दिया। अब क्या है कि जब हम इसको पानी देंगे तो ये थोड़ा सा बैठेगा और जब ये थोड़ा सा बैठेगा पानी देने के बाद तो फिर हम उसके ऊपर, अभी ये थोड़ा पानी देंगे इतना सा नीचे बैठेगा, जब ये नीचे बैठ जाएगा तो फिर हम इसमें सॉइल मिक्सचर डाल देंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड का जो मैं मिक्सचर तैयार करके रखती हूँ पौधों के लिए, वो मिक्सचर डाल देंगे अभी क्योंकि ये खाद है ये थोड़ा सा बैठेगी। और एक चीज़ बताऊँ कि गर्मी में आपके गमले इतने नीचे रहने चाहिए ताकि जब आप पानी भरें तो इतना पानी भरें अपने गमले में, क्योंकि गर्मी में पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सी जगह होगी तो आपकी ऊपर ऊपर की मिट्टी गीली होगी और आप सोचेंगे आपने पानी दे दिया और नीचे तक नहीं जाएगा। अगर हम इतना ज़्यादा पानी यहाँ भरेंगे, क्योंकि गमला ऊपर से सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है तो 2 इंच पानी 1 इंच 1.5 इंच पानी ऊपर अगर भर गया तो वो धीरे 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 नीचे तक पहुंच जाता है, वो सफिशिएंट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर सर्दियों में आपके गमलों में ये जगह कम हो गई है तो गर्मी में इसको बढ़ा लें। और ऐसे ही मैं इस वाले क्रोटन के साथ करूँगी। तो बस अब ये जो हमारा क्रोटन है ये गर्मियों के लिए तैयार हो गया, इसको छाया में रखेंगे और मिस्टिंग कर देंगे दिन में एक दो बार और बरसात में इसको हो सकता है मैं प्रून कर दूं, प्रून करने के बाद ऊपर की कटिंग लगा दूंगी। और अभी देखिए इसकी सारी पत्तियां आनी शुरू। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। ये देखिए लियो को, बाय लियो, लियो बाय बोलो, बाय।